मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कई दिनों से आप सभी मेरे विचार सुन रहे हैं। मनुष्य जीवन में सुख और शांति की प्रतिष्ठा किस प्रकार से हो सकती है, इस विषय में अब तक के ऋषियों, महात्माओं, संतों और अवतारों के विचार आप लोगों को सुनाए जा रहे हैं, साथ में मेरी अपनी 40 वर्षों के अध्ययन और साधन का सार रूप अनुभूति भी। मनुष्य को उत्कर्ष के लिए आदर्श की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब तक अपने सामने किसी विकसित जीवन को नहीं देखता, तब तक उसमें विकास की चाह जागृत नहीं होती। जिन विचारधाराओं में ऐसा विश्वास निहित है कि सृष्टि के मूल में कोई भगवान नहीं, मनुष्य स्वयं विकास करता हुआ भगवान पद को प्राप्त कर लेता है, उन विचारकों के सामने भी एक समस्या है कि मनुष्य स्वयं विकास की चाह कहां से प्राप्त करता है, विकास की दिशा कहां से प्राप्त करता है, विकास की प्रेरणा कहां से प्राप्त करता है, और इसका सही उत्तर उन विचारों में नहीं मिलता। इसलिए वैदिक विज्ञान, शाश्वत सनातन धर्म के ब्रह्मवादिनी फिलॉसफी, ब्रह्मवादिनी ऋषियों की प्रज्ञा, इस सत्य का अनुसंधान करती हुई और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सृष्टि का मूल तत्व जो है, मूल आधार जो है, जो अखंड है, अनंत है, अविभाज्य है, अज है, अग्राह्य है, अदृश्य है, अस्पर्श है, अखेद्य है, अभेद्य है, अखेद्य है, जितने नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, इन सभी को प्रयोग करने के पश्चात भी जिसकी महिमा का
अवबोधन नहीं कराया जा सकता, वह परब्रह्म परमात्म शक्ति जैसे अनंत जीवों को अपने संकल्प मात्र से, अपने आभा मात्र से, अपने आभास मात्र से उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से उन जीवों को दिशा निर्देश करने के लिए वह स्वयं विभूति रूप में प्रकट होती है। मनुष्य का आदर्श मनुष्य नहीं हो सकता, असंभव है। जीव का आदर्श जीव नहीं है, हो ही नहीं सकता। आदर्श शब्द का अर्थ होता है प्राप्तव्य, आदर्श शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य, आदर्श शब्द का अर्थ होता है वह विशिष्टतम तत्व जिसको प्राप्त करने की चाह प्रत्येक जीव में निहित है, आदर्श है। और वो कोई जीव एक दूसरे का आदर्श कैसे बनेगा कि कोई जिस अवस्था में वो है वही तो दूसरा भी बैठा हुआ है। इसलिए जीव के लिए यदि कोई आदर्श हो सकता है तो वो जीव नहीं होगा, फिर क्या होगा? वो ऋषियों ने अनुसंधान करके कहा वो जीव का आदर्श तो शिव है, जीव नहीं। शिव है जो कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही जीव का आदर्श है। और उसी को प्राप्त करने के लिए जीव के जीवन में गति आती है। हमारे यहां शास्त्रों में एक बहुत बड़ा प्रश्न किया गया, आप लोग भी इस पर विचार करें अच्छा लगेगा। जहां भी कहीं जीवन है वहां गति है, जहां कहीं जीवन है वहां उत्पत्ति है, जहां कहीं जीवन है वहां स्थिति है। तीन चीजें, स्थिति, गति और उत्पत्ति। वैज्ञानिकों ने भी जीवन का यही अर्थ किया है। फीलिंग, मूवमेंट एंड प्रोजेक्शन, वैज्ञानिकों की यह मान्यता है। व्हाट लाइफ इज, वेयर देयर इज फीलिंग, वेयर देयर इज मूवमेंट, वेयर देयर इज प्रोजेक्शन, दैट इज लाइफ। ये विज्ञान की व्याख्या है और यह दर्शन शास्त्र से जो कहते हैं स्वीकार करता है। अब एक प्रश्न हुआ कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मूवमेंट, आखिर गति है तो गति में कारण क्या है? यदि गति स्वभावतः है तो जो सहज है उसका कभी अंत नहीं होता, जो स्वभावतः है उसका कभी अंत नहीं होता, जो नेचुरल है उसका कभी अंत नहीं होता, फिर तो गति का कभी अंत होगा ही नहीं। और जब गति का कभी अंत नहीं होगा देवता, तो तुम गति से उबते हो कि नहीं? स्वभाव से कभी कोई व्यक्ति उबा नहीं, याद रखो। जिस क्रिया से आप किसी भी अवस्था विशेष में अलग होना चाहते हैं वह आपका स्वभाव नहीं है। जिस क्रिया में आप किसी अवस्था विशेष में रुचि रखते हैं लेकिन वो अवस्था विशेष के बदल जाने पर आप उससे
विरत होना चाहते हैं, वो क्रिया आपकी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वो क्या है, वो आगंतुक है, आई हुई है। ये दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो ये गति जो जीवन में है, ये गति सहज है या आगंतुक, पहला तो ये प्रश्न है। क्योंकि गति हमें सदैव प्रिय नहीं है, गति से हम थक जाते हैं तो सुषुप्ति की गोद में जाने की कोशिश करते हैं, करते हैं ना, ये सभी का जाना हुआ सत्य है, इसके लिए किसी बड़े तर्क की जरूरत नहीं। तो एक अवस्था विशेष में गति हमें प्रिय नहीं है, इसका अभिप्राय गति हमारे में सहज नहीं है। फिर गति के दो हेतु हैं, दो हेतु दुनिया में गति के केवल दो हेतु हैं, कौन कौन से, एक तो पुशिंग, धक्का दे तो आगे बढ़े, और दूसरा पुलिंग, अंग्रेजी में उसे कहते हैं पुलिंग एंड पुशिंग, और हिंदी में क्या कहेंगे, एक पीछे से ढकेलने से गति आती है, दूसरा आगे से खींचने से गति आती है। गति के दो कारण है। अब यह प्रश्न आया कि आपके जीवन में जो गति है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज, पुशिंग और पुलिंग। जो जीवन में गति है उसमें कारण क्या है, किसी ने पीछे से धक्का देकर के आपको गतिशील बनाया है, या कोई आपको आगे से खींच रहा है, व्हाट इज रूट कॉज ऑफ मोमेंट ऑफ लाइफ। आपके जो जीवन में गति है उसका मूल कारण क्या है, विचार करो आप लोग भी। इसके लिए हमारे पास, हमारे यहां कई सिद्धांतवादी आए, कई सिद्धांतवादी। एक सिद्धांतवादी ने कहा कि ये तो धक्का देकर के ही जीवन चलाया जा रहा है, गति कैसे आई, कहा धक्के से, कहा धक्का कौन दे रहा, कहा प्रारब्ध, यही कहते हैं ना, प्रारब्ध ले जा रहा है। कहा प्रारब्ध क्या है, कहा प्रारब्ध है पूर्व कर्मों का परिणाम, कहा पूर्व में जो कर्म हुए वो गति से हुए या बिना गति के, कहा वो तो गति से हुए, कहा तो उसका हेतु क्या था। अरे भाई, कर्म का आरंभ है, इसलिए गीता में कर्म का एक नाम आरंभ है। कर्म को भगवान ने क्या कहा, यस्य सर्वे समारंभा, ये कर्म का एक नाम आरंभ है। आरंभ माने बिगिनिंग, यू विल नेवर फाइंड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विदाउट बिगिनिंग, एंड वेयर देयर इज बिगिनिंग देयर इज एंड टू। जहां बिगिनिंग है, जहां प्रारंभ है, वहां तो अंत भी है। इसलिए ये कर्म जो आपको, प्रारब्ध जो आपको धक्का दे रहा है, ये कब से शुरू हुआ, कोई काल होगा, क्योंकि ये अनंत तो है नहीं, इसका तो कभी काल होगा जब से धक्का देना शुरू किया। और जब कर्म ने धक्का नहीं दिया था उस समय क्या आपके जीवन में गति नहीं थी, क्या क्या कहेंगे आप, ये यथार्थ उत्तर नहीं, युक्ति ने इसे खत्म कर दिया, कर्म इसका हेतु नहीं है। फिर ऋषियों ने इसकी खोज की कि हमारे इस जीवन चक्र में जो गति है इसका मूल कारण क्या है। और उन्होंने उस परम सत्य को ढूंढ निकाला और उन्होंने घोषणा की कि हमारे जीवन में जो गति है इसका कारण पीछे से धक्का देने वाला कोई नहीं है, इसका कारण है आकर्षण।
ये पुशिंग से नहीं चल रहा जीवन, ये पुलिंग से चल रहा है। और वैज्ञानिकों ने भी इसको ढूंढ निकाला और उन्होंने भी यही सिद्धांत स्थापित किया कि जहां कहीं गति है उस गति में हेतु एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन नॉट पुशिंग, आकर्षण कारण है। कहा आकर्षण का, आखिर आकर्षण में हेतु होगा ना कोई, आकर्षण में हेतु क्या है, का हेतु है, क्या हेतु है इसमें बताया कि जीवन में गति का मूल कारण वह केंद्र है, केंद्र, और उस केंद्र में आकर्षण शक्ति है, और जिस केंद्र में आकर्षण शक्ति है उस केंद्र को आकर्षण शक्ति के नाते एक नाम मिला है, कृष्ण। कृष्ण माने कर्षति, जो अपनी तरफ खींचे उसे कृष्ण कहते हैं, ये नाम है। जो अपनी तरफ खींचता हो उसको कर्षति स कृष्ण, खींचने के नाते उसका नाम कृष्ण पड़ा। मैंने अभी एक खंड काव्य लिखना शुरू किया है, दो तो पहले लिखे हुए हैं, एक खंड काव्य लिखना शुरू किया है भगवान कृष्ण से संबंधित, कुछ पद उसके लिखे हैं। तो उसमें मैंने यहीं से प्रारंभ यहीं से किया है, परिधि पे बिंदु ज्यो अनंत ब्रह्मांड राजे, मैंने एक चित्र खींचा उसमें। और ये कल्पना नहीं, कल्पना भी कह दो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये अनुभूत सत्य, इसके लिए मैंने कई महीने लगाए। और उस उन दिनों में साधना के पश्चात 1975 की बात है साहब, जहां तक मेरा याद है, उन दिनों साधना के पश्चात हमें ये पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा दिखाई दिया उसमें, उसका मैंने विवेचन किया। और उसी को मैंने इस खंड काव्य में अक्षरबद्ध करने की कोशिश प्रारंभ की है। अभी उसके करीब 30 छंद लिखे गए हैं और उसके बाद में किसी कारणवश वो बंद हो गया, फिर आएगा प्रवाह, फिर पूरे हो गए। तो उसमें मैंने यह संकेत किया है कि यह विश्व जो है एक प्रकार से ये परिधि जैसे एक बिंदु है, पॉइंट ऐसे समझ लो मूल, और वहां से उसकी वेव्स की सीमा है, गति की सीमा कहां तक जाती है, का सीमा होते हुए भी असीम है वो। तो उसमें स्वभावतः एक परिधि का निर्माण होता है, केंद्र नाभि जिसे कहते हैं, और उसके बाद में ये ऋषियों ने भी इसको श्वेतास्तर उपनिषद में, जहां पर ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा ते ध्यान योगानुगता पश्चन देवात्म शक्तिर स्वगुणेर निगूढ़ा, वहां पर भी उन्होंने उस चक्र की व्याख्या की है चक्र रूप में। और उसी चक्र रूप को मैंने अपने छंदों में व्यक्त किया है। तो वहां पर मैं आपको जो सार सुनाने जा रहा हूं यह है कि हर एक जीव के गति में वो आकर्षण हेतु है, आकर्षण, और आकर्षण ही उसका आदर्श है, उस आकर्षण का नाम कृष्ण है, कृष्ण क्योंकि आकर्षण करता है इसलिए उसको कृष्ण कहा जाता है। और जो कृष्ण समस्त जीवों के जीवन की गति है, यानी गति का आधार है, जब तक ये जीव गति से चलता हुआ वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक कहीं इसमें स्थिरता नहीं आए। हिमालय से चली हुई सरिता
जब तक सिंधु तक न पहुंच जाए तब तक उसमें स्थिरता नहीं आती। बस इसी रूप से एक गतिमान जीव जब तक अपने लक्ष्य तक, अपने आदर्श तक, अपने आकर्षक तक, ऐसे समझ लो, न पहुंच जाए तब तक इसमें कभी स्थिरता आने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि मनुष्य के लिए आदर्श वो शिव है, परमात्मा है। अब परमात्मा किस प्रकार से आदर्श बनता है? क्यों विराट उसका आदर्श तो हो नहीं सकता, क्यों विराट का दूसरे बोध ही नहीं, आदर्श कहां से होगा? अव्यय उसका आदर्श बन सकता है? बोले नहीं। अव्यक्त रूप में तो अव्यय आश्रय है, आदर्श है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो भी नहीं, उसका भी उसे बोध नहीं है। फिर जो परब्रह्म है, परब्रह्म की तो कल्पना ही नहीं हो सकती अबोध जीवन में। तो अबोध जीवन में न तो विराट आदर्श बन सकता है, न अव्यय आदर्श बन सकता है, और न तो परब्रह्म परमात्मा आदर्श बन सकता है। फिर आदर्श कौन बनता है? का इस मानव जीवन के लिए वही परब्रह्म जो अव्यय और विराट रूप में प्रकट हुआ है, वही स्वयं को विभूति रूप में प्रकट करता है, विभूति रूप में। और वो विभूति जो है वह मनुष्य के लिए आदर्श बन जाती है। इसीलिए हमारे यहां अवतारवाद, अवतारवाद जानते हो? अवतारवाद विकासवाद नहीं है। कुछ लोगों की भ्रांत धारणा है कि मनुष्य विकसित होता हुआ जब ऊंचे चढ़ जाता है तो लोग उसको परमात्मा कहने लगते हैं। भले आदमी, यदि परमात्मा न हो तो मनुष्य ऊपर चढ़ेगा कैसे? कैसे चढ़ेगा? विकास की दिशा उसको कहां से मिलेगी? तो विकास की दिशा प्रदान करने वाला परमात्मा बनता नहीं, परमात्मा है। बात समझे? और वो जो है वो मानव मात्र को विकास की दिशा प्रदान करने के लिए स्वयं को विभूति रूप में प्रकट करता है। यह है गीता के 10वें अध्याय का सार, जिसको कहते हैं विभूति योग। भगवान स्वयं को विभूति के रूप में क्यों प्रकट करते हैं? वहां पर बताया है सृष्टि के वैसे कई भेद हैं, मूलतः दो भेद हैं। एक को कहते हैं संभूति और दूसरे को कहते हैं विभूति। वृक्ष तो सभी हैं, तो सभी वृक्षों को भगवान ने अपनी विभूति नहीं बताया। वृक्षों में विभूति क्या है? अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम का वही उसमें विशेषता क्या है? का विशेषता यह है कि अन्य जितने वृक्ष हैं उनकी गति क्या है? दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। और पीपल, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कभी भी किसी भी काल में वो ऑक्सीजन के सिवा और कुछ छोड़ता ही नहीं। वो ये उसकी महिमा है। बात समझे? पीपल के वृक्ष से कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, हमेशा दिन में भी रात में भी 24 घंटे उसमें से ऑक्सीजन निकलता रहता है। ये क्या? ये है विशिष्टा अभिव्यक्ति, परमात्मा की विभूति। इसी रूप से जो कुछ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, याद रखो तीन बातें भगवान ने कहा, जो कुछ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, और जो कुछ तेज युक्त है वो मेरी विभूति है। विभूति के लक्षण बताए, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद उर्जितम, ये तीन बातें बताई। तो विभूति ही मनुष्य के लिए आदर्श बनती है। ऐसे समय समय पर जैसे वृक्षों के में परमात्मा की विभूति का आविर्भाव होता है, पशुओं में परमात्मा की विभूति का आविर्भाव होता है, पक्षियों में परमात्मा की विभूति का आविर्भाव होता है, ऐसे ही समय समय पर मनुष्यों में भी परमात्मा की विभूति का आविर्भाव होता है।
और वो परमात्मा की जो विभूति होती है वो अन्य मनुष्यों के लिए आदर्श बनती है, और जो विभूति मनुष्यों में आविर्भूत होती है उसको हमारी भाषा में अवतार कहते हैं। अवतार माने वो अव्यक्त से व्यक्त हुई, उसको ये नहीं कहते ऊपर से नीचे उतरी, ये भी एक अर्थ है। अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना, तो यदि उसका अर्थ किया जाए अवतरण माने ऊपर से नीचे उतरना तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये इलॉजिकल नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहां उसकी व्याख्या की गई अव्यक्त से व्यक्त होना। वॉट एवर वॉज अनमेनिफेस्टेड फॉर्म दैट मैनिफेस्टेड, वो मैनिफेस्ट हो गया, वो प्रकट हो गया, इसको कहते हैं अवतरण। तो परमात्मा की अव्यक्त शक्ति जो थी वो अभिव्यक्त हो गई। अब यहां हमारे अवतार के सात भेद, सात एक दो नहीं, सात भेद बताए गए। कौन कौन से? नित्यावतार, निमित्तावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, और इच्छा के बाद एक और बताया गया अर्चावतार। अर्चावतार सात भेद। सबसे पहले तो नित्यावतार। नित्यावतार क्या है? परमात्मा की जो विशिष्ट शक्ति आत्मा के रूप में प्रकट हुई है, यह नित्यावतार है, ऐसे आप समझो। इसमें कुछ विद्वानों की राय है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश शिव है, हर एक ब्रह्मांड में, क्योंकि ये तीनों एक एक ही शक्ति के तीन नाम है, तीन क्रियाओं के नाते। क्रिएटर पहले, सृजक, ये सृजक जो है क्रिएटर बनता नहीं, वैसे सही अनुवाद नहीं अंग्रेजी में, लेकिन सृजन शब्द की, सृज धातु का कोई इक्विवेलेंट शब्द अंग्रेजी में नहीं है, इसलिए उसको क्रिएटर कह देते हैं। वैसे सृज धातु का अर्थ होता है अपने आप से बाहर करना। सृज धातु का अर्थ होता है संस्कृत में उद्गीरण। उद्गीरण माने निगलना, उगलना, जो अपने अंदर है उसको उगल दे, उसको कहते हैं सृजन, और जब निगल ले तो उसको कहते हैं प्रलय। प्रलय प्रकृष्ट रूपेण लियते अंतर्धीयते, ये प्रलय है। तो एक वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को उगलती है और निगलती है, यही काम करती हो। गीता के आठवें अध्याय में भगवान उसको समझाया, रात्रागमे प्रलीयन्ते प्रभवन्ति अहरागमे। ब्रह्मा का जब दिन प्रारंभ होता है तो सृष्टि उससे प्रकट हो जाती है, और जब रात्रि आती है तो सब उसको अंतर्धान हो जाता, निगल लेता हो। इसी को दूसरे अध्याय में कहा, अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये पहले अव्यक्त में थी सृष्टि, बाद में व्यक्त हो गई, और फिर ये अव्यक्त में लीन हो जाएगी, इसके लिए तू क्यों चिंता करता है? दिस इज ए प्रोसेस। सांख्य ने क्या कहा? आविर्तिरोभाव, आविर्भाव होना और तिरोभाव हो जाना, और इसको कहा उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति और विनाश, वेद में क्या कहा? संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम स विनाशेन मृत्युम तिरत्वा संभूत्या मृत्युम स्मृति। संभूति और विनाश, ये संभूति और विनाश क्या है? ये उससे प्रकट होना और पुनः उसमें लय हो जाना, क्योंकि नाश माने होता है नस अदर्शने, जो दिखाई दे रहा था अब न दिखाई दे उसको नाश कहते हैं, और नस अदर्शने अदर्शने लोपः, अदर्शन माने लुप्त हो जाना, मिट जाना या नहीं रहना, नहीं, नहीं रहने का नाम नाश नहीं है, याद रखो। और सांख्य दर्शन क्या कहता है? नाशो कारण लय,
कार्य का कारण में मिल जाना नाश है और कारण से कार्य का प्रकट हो जाना विकास है। विकास और नाश ये अनवरत चलता रहता है, इसलिए सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य है। विधि प्रपंच अचल अनादि, तुलसीदास जी ने कहा। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि वो सृजक शक्ति, और जब सृजन हो गया तो उसमें पालक शक्ति जो उसको स्थित किए हुए है, और तीसरा संवरण शक्ति। एक ही की तीन शक्तियां हैं, इसलिए एक ही के तीन नाम है, एक ही त्रिधा है। जब उगलता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मा, जब उसको सुरक्षित रखता है तो कहते हैं विष्णु, और जब निगल लेता है तो कहते हैं शिव। एक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझा दें। प्रश्न आया कि यदि शिव शब्द का अर्थ कल्याण करता होता है तो जो निगल रहा है दुनिया को उसको शिव क्यों कहा, है ना प्रश्न है। दुनिया को निगलने वाले का नाम शिव बोले, हां अरे निगलने वाले का नाम तो कुछ और रखना चाहिए, शिव माने का शिव कल्याण करता जे, शिव है जो कल्याण करे, तो निगलने वाला कल्याण करता है क्या, क्या राय आप, उसका नाम शिव क्यों रखा गया, जरा गंभीरता से विचार कीजिए। ये सारी सृष्टि को भगवान ने